इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के, जो कि क्लास टेंथ के हैं और हर साल बोर्ड एग्जामों में आपके पूछे भी जाते हैं। और मित्रों, जो 24 मार्च को आपका क्लास टेंथ का हिंदी का पेपर होने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हम लोग जिक्र करेंगे। चलिए मित्रों, हम आपके समय को न नष्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मित्रों, जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे वो अति लघु उत्तरी प्रश्न से संबंधित है। किससे मित्रों? अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन है मित्रों। प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। मित्रों, जो प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो हमें प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों के नामों को उल्लेख करना है। प्रयोगवाद के किन्हीं दो कवियों का नाम कौन कौन से? पहला है गिरजा माथुर हैं, दूसरा क्या है प्रताखर माचवे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रगतिवादी कवियों ने किसके दर्शन को आधार बनाया। तो मित्रों, जो प्रगतिवादी कवियों के किसके दर्शन को आधार बनाया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे मार्क्सवादी, जो मार्क्सवादी होते हैं उनके दर्शन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों क्या कहता है? प्रगतिवादी साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम लिखना है। तो मित्रों, प्रगतिवादी साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम करना है। तो यहाँ पे आप देखो प्रगतिवादी साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम, एक प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तीन ऑप्शन है, मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण और सामाजिक यथार्थवाद है, राइट। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख पा प्रगतिवादी साहित्य की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का नाम लिखना है। तो पहला क्या है? मानव की महत्ता का प्रतिपादन, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, सामाजिक यथार्थवाद, राइट। फिर मित्रों आपको ध्यान देना है, त्रिलोचन की दो प्रसिद्ध काव्य लिखना है। तो त्रिलोचन की किन्हीं दो प्रसिद्ध काव्य का हम लोग को नाम उल्लेख करना है। ताप हुए दिन, त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध काव्य लिखना है। तो ताप के ताप हुए दिन और अमोला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रसिक प्रिया तथा दीप शिखा के रचनाओं रसिक प्रिया तथा दीप शिखा के रचयिताओं के नाम लिखना है। तो रसिक प्रिया तथा दीप शिखा के रचयिताओं का जो नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो चार ऑप्शन है, रसिक प्रिया, दीप शिखा। तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं और दीप शिखा की जो रचनाकार हैं महादेव वर्मा हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखना है। तो निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम, साहित्य लहरी सूरदास। अब यहाँ पर ध्यान दें, साकेत किसकी रचना है? तो मित्रों, जो साकेत हैं, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, युगधारा किसकी कृति है? तो मित्रों, अगर युगधारा की बात करें, युगधारा नागार्जुन की कृति है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमीर रासो किसकी रचना है? तो हमीर रासो सारंगधर की रचना है, राइट।